इतना गुस्से में क्यों? गुस्सा नहीं है, देखो भाई ये दुलार से प्यार से पोसे हैं, ऐसा नहीं होगा जो करवाएंगे नहीं रखेंगे। उनको दुलार प्यार से नहीं पाले होंगे उनके माँ बाप? तो पाया है तो उसका क्या कर रहा, हम उधर इतना हुए हैं, इतना उससे इतना हम यही हुए हैं, हमारा ने कोई ऐसे दाग लगा दिया। कोई दाग ऐसे कैसे लगा देगा, इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है। आपके भाई उनके साथ रहे, उनसे प्रेम की शादी किए तब नहीं, नहीं करा है, नहीं करा है, नहीं नहीं। ये आपके घर में ऐसे रहने आ जाती है? और कोई लड़की कहे ना आती है, या यही आई थी और किसी घर में कहे ना गई? जवाब दीजिएगा। जवाब देंगे ना, बात कर रहे एक दिन बहन से तो वैसे कर रहा यार, कौन सी कर रहा है एक दिन बात करने से? हाँ। पहले तो आप बोलते थे कुछ नहीं, अब तो बोले एक दिन बात की है। नहीं अकरा से नहीं बात करा, बहन से बात करा, उसका मोबाइल से था कौन सी बहन से था कौन सी? आप से बताइए, आप से तुम अपने आप ससुराल जाओ, ससुराल जाओ, हम पहुँचा देंगे, ससुराल जाओ, ससुराल जाएंगे आपको। ये जानते हैं ये यहीं पे रहेंगे, यहाँ सभी लोग देख रहे हैं ठीक ना, और चीज़ों को सभी लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं, प्रेम प्रसंग कौन नहीं करते हैं और कौन शादी नहीं करते हैं, आजकल तो ये आम बात हो गई है। अच्छा आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? पड़ोसी हुए हैं, अलग गाँव है, दूसरे जगह, दूसरे गाँव, तमाशा देखने पहुँच गए? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप इसके थोड़ा मुखिया जी क्या है भैया, हम यहाँ रहते नहीं, बुला के ले क्या लगता है जो बोल रही है भैया? इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं, तो हम कैसे आपको बता सकते हैं? जो चीजें ये बोल रही हैं समझ में तो आ रहा है, बात भी तो इस तरह से बातें भी चल रही है, तो ये तो लग रहा है ठीक ठाक, लेकिन पीछे क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है, प्रेम किया, प्रेम से शादी करके? अच्छा अच्छा कोई लड़की, कोई लड़की, अच्छा कोई लड़की, एक मिनट, कोई लड़की आपके घर में तो नहीं जाके रहने लगी? मतलब अगर किसी के घर आई है कोई ना कोई वजह है तभी ना। आज से कोई पीछे अगर प्रेम सच्चाई होगी तो लड़का लड़की बस सकती है, अगर नहीं होगी तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बस यही बात है। टूट या टूट, यहाँ आई है, मांग में सिंदूर लगाई है, शादी हुआ है, प्रेम हुआ है, दोनों में सरपंच जी को थोड़ा बुला दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। दोनों कहीं कहीं प्रेम किए शादी किए तब ना लड़की इस घर में आने की? हाँ ऐसा हुआ होगा तब तो ऐसा हो रहा है। अभी तो हमको जहाँ तक देख रहे हैं नहीं दिख रहा है कि यहाँ कुछ लोग हैं इनको, कि यहाँ ऐसा तो लोग तो नहीं दिख रहा है, प्रेम है शादी है इसलिए आई, कहीं ना कहीं प्रेम होगी तब तो ये लड़की आज यहाँ आई है। अगर कुछ ऐसा इसके पीछे क्या वजह है नहीं है ये सब तो मुझे कोई जानकारी ऐसा कुछ नहीं है। होता है इसका मतलब थोड़ी घर से आपको कोई निकाल देता है, अपना परिवार में जब झगड़ा होता है थोड़ी निकल जाते हैं सर, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। देखिए गांव अरे माया इसकी सास आई, क्या चाची जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते, ये पहले भी रहने आई थी? मेरा पता नहीं है। हा? मेरा पता नहीं है। कहाँ से हैं आप? उधर घर है मेरा। उधर घर है? हाँ। इधर नहीं आते हैं? आते हैं तो हम नहीं जानते। आज तो आ गए हैं? हाँ आज आ गए, उधर से हम आए। जब ये यहाँ रहने आए होंगे तो बता तो जरूर होगा। हम बाहर में रहे हैं। आप बाहर में रहे? हाँ पंजाब में। ऐसा क्या है होता है जब चीजें पूछने लगते हैं सबको ही बोलने से? नहीं हम यहाँ पर रहे नहीं करते, तो सच है, सच बोलने में क्या दिक्कत है? हम यहाँ पर नहीं थे। अच्छा क्या इस लड़की को रखना चाहिए? अच्छा चाची बताइए इस लड़की को रखना चाहिए कि नहीं? रखेगा तो हमको क्या है, रखेगा? एक लड़की का, एक महिला का जो सम्मान होता है, हाँ एक लड़की एक महिला का जो सम्मान होता है, अगर वो किसी से प्रेम कर ले, किसी के साथ रहने लगे, वो उन्हीं के साथ अपना पूरा जीवन देख लेती है, इस चीज को तो आप अच्छे समझते होंगे। लड़का कैसा है ये संतोष जो है, ये कैसा है? अच्छे लड़का है और कैसा है? आ गई लड़का का बहन, आप इतना गुस्से में क्यों? देखो भाई ये दुलार से प्यार से पोसे हैं, ऐसा नहीं होगा जो करवाएंगे नहीं रखेंगे। उनको दुलार प्यार से नहीं पाले होंगे उनके माँ बाप? तो पाया है तो उसका क्या कर रहा, हम उधर इतना हुए हैं, इतना उससे इतना हम यही हुए हैं, हमारा ने कोई ऐसे दाग लगा दिया। कोई दाग ऐसे कैसे लगा देगा, इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है। आपके भाई उनके साथ रहे, उनसे प्रेम की शादी किए तब नहीं करा है, नहीं करा है, नहीं नहीं। आपके घर में ऐसे रहने आ जाती है? हाँ। और कोई लड़की कहे ना आती है, या यही आई थी और किसी घर में कहे ना गई? जवाब दीजिएगा। जवाब देंगे ना, बात कर रहे एक दिन बहन से तो वैसे कर रहा यार, कौन सी कर रहा है एक दिन बात करने से? हाँ। पहले तो आप बोलते थे कुछ नहीं, अब तो बोले एक दिन बात की है। नहीं अकरा से नहीं बात करा, बहन से
था पंचे बहन जी था पंचे आपसे बताइए आपसे तुम अपने ससुराल जा हां ससुराल जा तो हम पहुंचा देंगे ससुराल जा ससुराल जाएंगे आप ये जानते हैं ये यहीं पे रहेंगे ये आज से यहीं पे भाभी को बसा के ससुराल जाना है तुम अपने घर में बसो मुखिया पति मुखिया पति मुखिया जी हां मुखिया के पति जी है अच्छा ये मुखिया अच्छा मुखिया का पति अच्छा मुखिया सॉरी अच्छा अच्छा ठीक है सर आइए 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 इधर आइए ना आइए ना यहीं पे हैं तो क्या दिक्कत है हाँ चलिए आइए इधर आ जाइए आ जाइए ये देखिए आइए आप भी आ जाइए इधर देखिए गांव के जो मुखिया हैं उनके पति हैं हम तो नहीं मुखिया अभी भी बोल रहे हैं आपके पत्नी है ना बाहर का हुकूमत आप ही चलाते हैं ऐसा कोई बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं औरतों को जीता के हम स्वतंत्र करके रखते हैं ना महिला को स्वतंत्र करके रखते हैं नहीं उनके पति हैं मुखियाइन हैं अच्छा ये यहाँ के मुखियाइन हैं मुकेश मुखियाइन के पति हैं मुकेश देख रेख करता है तो यही ना मुखिया जी हुए हम नहीं है बार बार आपको बोल रहे हैं अरे छोड़िए पत्नी आपकी है तो आप ही है मुखिया बोलिए कहीं साइन करने से लेकिन मुखिया का रोल निभाता है मुकेश यही के आदमी है इनके पति का अधिकार होगा तो मुकेश कौन है मुकेश के क्या वही चलाता है चलाने दीजिए कौन मुकेश हम इनके पति को जानते हैं मुखिया इनके पति को से बातचीत संतोष का चचेरे भाई है तो रहने दीजिए ना चचेरा भाई उसका चचेरापन निकाल देंगे अगर ज्यादा चरचराया तो ठीक है ना चचेरे मचेरे का यहाँ कोई रोल नहीं है यहाँ पर सासू माँ का रोल है पति का रोल है समय आने पर सासू माँ का भी रोल नहीं है सिर्फ पति का रोल जो शादी किया है जो प्रेम किया है क्या बोले कहा कि हम बाहर में हैं आपके नेतृत्व में छोड़ के जा रहे हैं इसी बोल रहा है क्या किया जा रहा है तो बोल रहा है वो बोल रहा है तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन से आई टीम ये लड़की को आज यहाँ रखवा के जाएंगे रख दी सर मैं आए दिन यही काम करती हूँ और मुझे ग्रामीण इलाका के महिलाओं के बारे में पता है कि अगर मुखियाइन जी जीती हैं तो मुखियाइन जी के सिग्नेचरे तक उनकी कहानी है फिर उनके पति देव जो है ना वही मुखिया के रोल अदा वोट मांगने के समय तो आप प्रचार क्यों हम तो और फर्क में रहते थे कोई बोल दिया वोट मांगने में गए नहीं गए भले ही सब गया होगा हम नहीं गए आप नहीं गए किसी को वोट देने कहीं कहीं हम थे ही नहीं सर कहीं चलती रहता होगा मुखियाइन जी तो खाली सिग्नेचर करती होंगी घर में चौका बर्तन और बच्चे का लालन पालन संतोष का दोस्त है इनके दोस्त होंगे कि मुखियाइन से क्या मतलब नहीं मुकेश संतोष ये लड़का जो है ना उनके दोस्त है सर दोस्त नहीं भाई है चचेरा भाई अच्छा चचेरा भाई है, भाई है लड़का तो उसका रोल क्या है मुखियाइन महिला है मुखियाइन के पति ये हैं अब उस बच्चा का क्या रोल है ये संतोष क्या है संतोष कौन है संतोष पति और संतोष के ये जो जिस लड़का के कहानी बीच में आ रहा है वो कौन है चचेरा भाई उसका नाम क्या है मुकेश तो मुकेश का रोल यहाँ पर कहाँ से आ रहा है हमको मुखिया जी से बात करना है सरपंच जी से बात करना है वो मुकेश है कौन उस बंदे के तेरे जीवन में कौन सा रोल तेरा भैंसुर है तेरा देवर है इंटरफेयर भी कोई करेगा तो कोई नजदीकी करेगा वो करने वाला होता कौन है और अगर है सामने तो छिपा क्यों है मेरे सामने आए अगर तुमको एक रेप भी लग जाएगा तो समझ लेना कि हम जिनके नेतृत्व में तुमको छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुखिया जो होते हैं एक गांव के समझिए कि वो प्रधान होते हैं भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है समाज में और आज से तुम इस गांव की बहू हो और तुम्हारी सुरक्षा इनके हाथ में है सर इसको किसी प्रकार से खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ का समाज आप देखिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा समाज तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा समाज तो बोल रहा है कि अगर ये लोग का प्रेम सच्चा होगा तो रहेगा अब समाज तो खाना नहीं देगा मुखिया जी खिला सकते हैं क्योंकि मुखिया जी वोट लेते हैं मुखिया जी के पास फंडिंग आता है ना तो मुखिया जी चार शाम एक पीड़िता को भोजन दे सकते हैं लेकिन गाँव के व्यक्ति कैसे देगा वो बेचारा को तो सरकारी गवर्नमेंट से कुछ फंड आता नहीं है और मुखिया जी के पास तो बड़ा बड़ा टेंडर आता है मुखिया जी जो सच्चाई है जो सच्चाई है तो कंगाल कर दिया आप चार दिन पीड़िता को भोजन दे सकते हैं
चलिए बहुत रात्रि का समय है, इसको बसा दीजिए। यहाँ का समाज को बोलिए, हाँ देखिए यहाँ पूरा समाज देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं। कौन चाहते हो कि यहाँ पे रह जाए, खाली हाथ उठा लो। कौन चाहते हो कि हाँ यहाँ रहे, कौन नहीं चाहते हो कि नहीं रहे, हम देखते हैं समाज का सब सहयोग ये रहने के लिए। सब सब भाई प्रेम को जिंदा करो, समाज से प्रेम समाप्त हो रहा है। देखिए देखिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक ना। और कितने हाथ जो प्रेम को जिताना चाहते हो, अगर शादी कर लिए तो इसको अपना लो, इसको बसा दो। बहुत तकलीफ में है बच्ची, माँ बाप का भी बात नहीं सुन रही है, बोलिए बिना खाए हम अपना जान दे देंगे, हम रहेंगे तो उसी लड़का के साथ रहेंगे, नहीं तो हम पूरा जीवन ऐसे ही रह लेंगे। तो क्या इसको मार देना चाहते हो? प्यार किया तब इसको प्यार को अपना लो, है ना। और कितने लोग चाहते हो कि यहाँ नहीं रहे, अब नहीं रहने वाले हाथ उठा दो। देखते हैं गाँव में कैसी भावनाएं हैं। कौन चाहते हो कि ये यहाँ पे नहीं रहे, हाथ उठा सकते हैं। सब चाहते, यानी सब चाहते हैं। बहुत अच्छा गांव है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इस गांव में इतना इंसानियत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बस जाएगी। हम यहाँ के समाज के इंसानियत के हवाले करके हम इस बच्ची को जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोग पूरा यहाँ समाज है, और कहीं कहीं मुखियान के जो पति हैं, पति नहीं आ रहा है, सब कोई वो भी मौजूद हैं, और सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और जो लड़का बहन हुए वो भी यहाँ पे हैं, और कहीं कहीं इनके सासू जी और इनके जो पति हैं दोनों से बात किया जा रहा है, लेकिन दोनों पता नहीं आ रहे हैं, या कहीं कोई काम में फंसे हुए हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, और लड़की आज से यहाँ रहना चाहती है, यहाँ रहना चाहती है यस सर। अभी से यस सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं ना। तो देखिए लड़की भी कहीं कहीं यहाँ रहना चाहती है, और अभी से ही ये यहाँ पे रहेगी। नारायणी शक्ति फाउंडेशन टीम पटना से आई और इनको यहाँ घर पे रखवा दी, और प्रशासन भी है कहीं कहीं मौजूद, सभी लोग हैं और यहाँ इनको रखवा के जा रहे हैं। बाकी बात आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।